नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते सच के सिपाही यानी अन्ना की। अन्ना आए और चले गए, लेकिन जाते जाते शिवराज सरकार की पोल खोलने में उन्होंने कोई गुरेज नहीं किया। जो सरकार अब तक सड़कों को लेकर लगातार बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, उसे अन्ना के बयान के बाद मुंह की खानी पड़ रही है। इन चुनाव के पहले अन्ना का कहा अब चर्चा का विषय बन गया है। कहा जा रहा है कि सड़कों को लेकर उठे प्रश्न किसी विरोधी दल के नेता ने नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के मुख से निकले जिसकी कही एक बात तख्ता पलट करने के लिए काफी है। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी हो या फिर समाज सेवी अन्ना हजारे, दोनों को ही प्रदेश की सड़कों ने परेशान किया और इतना परेशान किया कि वो ना चाहते हुए भी मीडिया को अपना दर्द बयां कर गए। अपनी जनतंत्र यात्रा को लेकर शहर आए गांधीवादी अन्ना हजारे बोले, प्रदेश की सड़कें बेहद घटिया है। गाड़ी के साथ साथ उनके शरीर के नट बोल तक ढीले पड़ गए हैं। अन्ना यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कह डाला कि प्रदेश की सड़कों के गड्ढों के कारण ही उनकी पीठ, गर्दन और पैरों में भी दर्द उठाया है और बस यही वजह है कि वो दिल्ली लौट रहे हैं। अब अन्ना का इतना कहना था कि प्रदेश सरकार की पूरी पोल पट्टी खुल गई। चुनावी साल में अन्ना के मुंह से निकली ये बात अब प्रदेश के गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। प्रदेश के साथ शहर के गलियारों में ये चर्चा चल पड़ी है कि क्या सचमुच ही शिवराज सरकार के रहते प्रदेश में सड़कों की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि अन्ना को यात्रा में ब्रेक लेकर दिल्ली रवाना होना पड़ा। अन्ना सच के सिपाही कहे जाते हैं और ऐसे में अन्ना की कही बात पर हर किसी को भरोसा हो रहा है। लोगों को एक दशक पुराना मंजर याद आ रहा है, जब लोग दिग्विजय सरकार को कुछ इसी अंदाज में कोसा करते थे। कहते थे मध्य प्रदेश आते ही अच्छे अच्छों की नींद खुल जाती है। अन्ना ने बकायदा उन सड़कों का भी जिक्र किया जिन्होंने उन्हें सबसे ज्यादा दुखी किया। अब तक शिवराज सड़कों को लेकर कई बार बयानबाजी कर चुके हैं। वो आए दिन विज्ञापनों के माध्यम से भी सड़क, बिजली और पानी जैसे मुद्दों को सुलझा लेने का दम भरते हैं, लेकिन अन्ना के कहे ने उनके दावों पर सीधे प्रश्न खड़े कर दिए। बस यही वजह है कि जिस अन्ना को पूरे 24 घंटे इंदौर में सक्रिय रहना था, उनका वो दौरा केवल 4 घंटे में सिमट गया। अब खराब सड़कों का मुद्दा कभी भी कांग्रेस उठा सकती है, उसे अन्ना के कहे से आधार मिल चुका है। अब ऐसे में गलियारों में तो यही कहा जा रहा है कि राजा थे तो भी प्रदेश की नाक कटती थी और शिवराज आए तो भी अन्ना दो बातें सुनाकर चले गए। कभी होलकर स्टेट के जमाने में कई अहम मुद्दों पर चिंतन का काम किंग एडवर्ड हॉल यानी गांधी हॉल में होता था। समय बदला और गांधी हॉल इंदौर नगर निगम के संसदीय कार्रवाई का साक्षी बन बैठा। लेकिन अब गांधी हॉल विधानसभा में बेहाल हुए कांग्रेसियों के हाल को आम जन से रूबरू करवाएगा और इसे नाम दिया गया है जनसंसद। अब जब से कांग्रेसी गलियारों में जनसंसद की तैयारी शुरू हुई है, तभी से सत्ताधारी चर्चा कर रहे, कह रहे हैं कि पूरे विधायक तो एकत्रित कर लो, फिर करना जनसंसद। यूं भी पार्टी कार्यकर्ता तो जुटा नहीं पाती, ऐसे में जनसंसद में जन कहां से लाओगे। 12 जुलाई को 13वें विधानसभा में जो कुछ हुआ उससे प्रदेश की संसदीय गरिमा तार तार हो गई थी। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर सदन के ही उपनेता प्रतिपक्ष चौधरी राकेश सिंह ने अविश्वास जता दिया था। उसके बाद से ही अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की पीड़ा कांग्रेसियों को लगातार सड़ रही है। राजधानी में कांग्रेस बड़े ही नाटकीय रूप से जन संसद आहूत कर चुकी है और अब इंदौर की बारी है। कांग्रेस की जन संसद गांधी हॉल में जिस तारीख को लगाई जाएगी, जो अंक 12 का ठीक उल्टा है। 21 जुलाई को गांधी हॉल में बेहाल कांग्रेसी प्रदेश सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को रखेंगे। जन प्रतिनिधियों की संसद में तो अविश्वास प्रस्ताव राजनीति का शिकार हो गया, अब वहाँ नहीं तो यही सही का नारा बुलंद किया जा रहा है। कांग्रेसी जनता की संसद में अपनी पीड़ा को व्यक्त करेंगे। इस जन संसद को लेकर अभी से ही कांग्रेस के गलियारों में खासी चर्चाएं हैं। तैयारियों को लेकर राजधानी से लेकर शहर के गलियारों में माहौल गर्म है। कहा जा रहा है कि प्रदेश भर के कांग्रेसी विधायकों को जन संसद में आमंत्रित किया गया है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के गलियारों में इस जन संसद को लेकर अलग ही तरह की चर्चा की जा रही है। कहा जा रहा है कि पूरे कांग्रेस विधायक ही एकजुट करके दिखा दो, जब पूरे पूरे विधायक आ जाएं तो मान जाएंगे, जब विधायक ही नहीं पहुंच सकते तो फिर जन संसद के लिए जन कहां से लाओगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि विधानसभा में एक चौधरी ने पूरा खेल बिगाड़ा, लेकिन जन संसद में कहीं दर्जनों चौधरी ना आ जाएं और काम खराब कर जाएं। एक नंबर विधायक सुदर्शन गुप्ता यानी भगत सिंह
अपनी ही पार्टी की पूर्व विधायिका दीदी उषा ठाकुर की उलझन में उलझते ही जा रहे। दीदी समर्थकों ने पहले घर बैठे नेताओं को चुनाव मैदान में उतरने के लिए पीले चावल दे दिए और अब संगठन के दरवाजे जा पहुंचे। अब दोनों ही खेमों से अलग अलग बातें बाहर आ रही है। कहा जा रहा है कि एक नंबर के गलियारों में शह और मात का खेल शुरू हो चुका है। बस देखना यह है कि अब यहाँ जीत भाई की होती है या फिर बड़ी बहन उषा ठाकुर की। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक एक जो कुछ भी हो रहा है वो सत्तासीन दल यानी भाजपा के भविष्य के लिए सकारात्मक नहीं है। भाजपा तीसरी बार सरकार बनाए इसके लिए प्रदेश भर की एक एक सीट उसके लिए बेहद कीमती है। वर्तमान में यहाँ से सुदर्शन गुप्ता विधायक है और सुदर्शन का विरोध करने उतरे भाजपाई बहन उषा ठाकुर यानी पुरानी विधायक के समर्थक। पूरा खेल एक रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक नंबर में चल रही गुटीय राजनीति महज एक टिकट की लड़ाई है। मौजूदा विधायक सुदर्शन एक नंबर के गलियारों में स्लोगन लिखवा रहे हैं, फिर भाजपा, फिर शिवराज और फिर सुदर्शन। बस यही स्लोगन है जो बार बार सुदर्शन विरोधियों को एकजुट कर रहा है। तय रणनीति के तहत पूरी सुदर्शन विरोध मुहिम चलाई जा रही है। पूरा काम स्टेप बाय स्टेप किया जा रहा है। दो दिनों में यकायक गलियारों में छाई इस मुहिम के पीछे भी वही लोग हैं जिन्होंने पूरे 5 साल एक दूसरे के लिए हर हफ्ते ही गड्ढे खोदे हैं। खास बात तो ये भी है कि सुदर्शन कैंप की खबरें खबरी दीदी समर्थक कही जाने वाली सुदर्शन विरोधी टीम तक पहुंचा रहे हैं। अब जब मौजूदा एमएलए विरोधी मुहिम एक नंबर के गलियारों से होते हुए संगठन के दर तक पहुंची है तो बकायदा उसमें खबर नवीसों का भी ध्यान रखा गया है। ताज़ा हालातों की बात करें तो एक नंबर में पार्टी दो धड़ों में बट चुकी है। ठीये सजना शुरू हो गए हैं। सुदर्शन समर्थक और विरोधी दोनों एक ठीये पर आकर एक दूसरे को निपटाते हुए सुने जा सकते हैं। इलाके के गलियारे राजनीतिक चर्चाओं से सने सुनाई दे रहे हैं जिसकी चर्चा पूरे शहर के चौराहों पर हो रही है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि कौन गली कौन क्या कर रहा है इसकी जानकारी मौजूदा विधायक के साथ साथ वो भी रख रही है जिन्हें यहाँ से फिर मैदान में उतरना है। इधर भाजपा हैरान है, कह रही है जो भी होना है राजधानी में होना है, फिर यहाँ क्यों माहौल गरमा रहा है। पीएमटी की परीक्षा में फर्जी वाड़े के मास्टरमाइंड डॉक्टर जगदीश सागर अभी खाकी के शिकंजे में 7 दिनों के रिमांड पर है। लेकिन रिमांड अवधि के चौथे दिन जिला कोर्ट में उसकी जमानत के लिए अर्जी लग चुकी है। कहा जा रहा है कि जमानत अर्जी पर सुनवाई 19 जुलाई यानी आज ही है। इस बीच कोर्ट के गलियारों से एक और सुरसुरी चल निकली है। कहा जा रहा है कि डॉक्टर सागर की जमानत अर्जी के बाद उसकी पत्नी सुनीता सागर की अग्रिम जमानत की अर्जी भी लगने को है। पहले फर्जीवाड़ा करना और फिर खुद को बचाने की कोशिश करना, कोई किसी से सीख सकता है तो शायद वो नाम डॉक्टर सागर से अच्छा दूसरा कोई नहीं हो सकता। डॉक्टर सागर अब पुलिस शिकंजे में है, उसे खाकी मुंबई से घेर कर लाई है। 10 दिनों तक फरार रहने के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा डॉक्टर सागर कितना शातिर है इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसकी गिरफ्तारी के चौथे ही दिन जमानत का आवेदन कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट के गलियारों से आ रही खबरों के मुताबिक डॉक्टर सागर की जमानत अर्जी पर सुनवाई 19 जुलाई को की जाएगी। हम बता दें कि डॉक्टर सागर 22 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर है और खाकी को डॉक्टर सागर से ढेर सारी पूछताछ के साथ ही कई अहम दस्तावेज जब्त करना है। डॉक्टर सागर की जमानत अर्जी कोर्ट पहुंचने के साथ ही इसे लेकर जमकर चर्चा की गई। अब बताया ये जा रहा है कि जैसा डॉक्टर सागर का जमानत आवेदन आया बस उसी तरह उसकी पत्नी सुनीता सागर की भी अग्रिम कराने की जुगत भिड़ाई जा रही है। कहा जा रहा है कि दोनों ही मामले बेहद गोपनीय रूप से कोर्ट तक पहुंचाए गए हैं जिस पर अब कोर्ट के गलियारों में चर्चा की जा रही है। पीएमटी परीक्षा में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने क्या आया, शहर भर के गलियारों में आम लोग डॉक्टर नाम से ही खौफ खा बैठे हैं। ऐसे में ये सुर्खी राहत भरी कही जा सकती है। अब वो नाम भी जल्द ही लोगों के सामने बेनकाब होंगे जिन्होंने फर्जीवाड़े से लाखों रुपए खर्च कर डॉक्टर जगदीश सागर की मदद से डिग्री हासिल कर रखी है। अब ऐसे में कई फर्जी एप्रिनधारी खाकी की शरण में दिखाई देंगे, बस थोड़े से इंतजार की जरूरत है। कालिया अर्थात डॉक्टर जगदीश सागर की गैंग ने सैकड़ों अनपढ़ों को मोटी राशि के लालच में सीधे डॉक्टर बनवा दिया। कालिया गैंग के बनाए डॉक्टर अब मध्य प्रदेश सहित आसपास के प्रदेशों में लोगों का इलाज कर रहे हैं। पहले पहल ये मामला कुछ ही लोगों को समझ आ रहा था लेकिन अब जैसे जैसे फर्जीवाड़े की परतें खुल रही हैं आम लोगों को भी डॉक्टर सागर के कृत्य की भयावहता समझ आ रही है। पिछले 2 दिन से शहर भर के गलियारों में एक ही चर्चा है। कहा जा रहा है कि डॉक्टर सागर ने ये क्या कर डाला, 1000 से ज्यादा नकली डॉक्टर मैदान में उतार डाले और वो न जाने कितनों को मौत के घाट उतार चुके होंगे।
अब इसी बात को सोच सोच कर खाकी भी परेशान है और कह रही है कि वास्तव में उन लोगों तक पहुंचना जरूरी है जो पीएमटी में नकल भरोसे डॉक्टर जैसे महत्वपूर्ण प्रोफेशन में आ चुके हैं। अब उन फर्जियों के नामों का खुलासा भी किया जाएगा, लेकिन थोड़े समय बाद। डीआईजी के मुख से मिले इस आंशिक आश्वासन से शहर के गलियारों में जरूर राहत पहुंची है। कहा जा रहा है कि डॉक्टर सागर के सहयोग से पीएमटी क्लियर करने वाले अब खाकी के खौफ से कम इंदौर जिले में तो किसी का इलाज नहीं करेंगे। इंदौर नगर निगम के उपायुक्त महेंद्र सिंह चौहान ने अब अपने काम का स्टाइल कुछ बदल सा लिया है। निगम गलियारों में सिंघम नाम से चर्चित इस अफसर के काम को अब तक पुलिसिया स्टाइल का नाम दिया जाता था, लेकिन अब सिंघम ने अपना एक कदम आगे बढ़ाते हुए काम को खुफिया स्टाइल में करना शुरू कर दिया है। अब सिंघम ऐसा पेतरा चल रहे हैं कि अवैध कब्जाधारियों को भागने के लिए जगह भी नहीं मिल रही है और सिंघमी शिकंजे की चर्चाएं भी हो रही है। BRTS हो या फिर सामान्य सड़कें, हर जगह से अवैध घुमटी धारकों के साथ साथ ठेले पर लगने वाले पारंपरिक आउटलेटों को हटाना कोई सामान्य काम नहीं है। बस इसी असामान्य काम को करने के लिए नगर निगम उपायुक्त महेंद्र सिंह चौहान दल बल के साथ निकलते हैं। हर दिन किसी न किसी से अपने काम के दौरान उनका विवाद भी होता है। कई बार अवैध घुमटी धारकों के साथ निगम के अफसरों की आंख मिचौली भी होती है। कई बार आगे आगे घुमटी धारक तो पीछे पीछे निगम का अमला देखा गया है। कई ठेले वाले तो सिंघम को देखकर ही भाग खड़े हो जाते हैं, लेकिन इस बार निगम के सिंघम ने नया ही पैतरा चला और छा गए। सिंघम 13 मिनट में LIG तिराहा साफ कराए और वो भी खुफिया स्टाइल में। कहा जा रहा है कि यहाँ के फुटकर व्यवसायियों की करतूत से निगम के अब तक के सारे ही अफसर परेशान रहे हैं। अमला आया नहीं कि यहाँ के लोग भाग खड़े हो जाते थे और निगम के हाथ कुछ नहीं आता। इस बार सिंघम यहाँ कार्रवाई करने में सफल रहे। इसके लिए उन्होंने अपनी पुलिसिया स्टाइल छोड़कर पुलिस की ही एक अन्य विंग यानी खुफिया स्टाइल को अपना लिया। सिंघम ने इसके लिए कार्रवाई स्थल से दूर ही अपनी गाड़ी छोड़ दी और साथ ही अमले से उन ठेले वालों के आसपास घेरा डलवा दिया और खुद भी पैदल ही पहुंच गए। ठेले वाले सामान समेट कर भागते इससे पहले ही वो शिकंजे में आ गए। सिंघम 2 दुकानदारों को अंदर भी करवा आए और छा गए। अब निगम के गलियारों में सिंघम के इस नए पैतरे की चर्चाएं जोरों पर है। कहा जा रहा है कि साहब तुसी तो छा गए। परंतु मैं बात करते हैं खजराना की बिगड़ेल खाकी की। लगता है खजराना की खाकी के दिन कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। ये दूसरा मौका है जब यहाँ के बिगड़ेल जवानों पर बेकसूरों को पीटने का आरोप लगा है। कुछ दिन पहले ही इसी थाने की खाकी ने एक कांग्रेसी नेता की जमकर पिटाई कर दी थी और अब उसके निशाने पर एक इमाम और एक मौलवी आ गए हैं। इस घटना के बाद खजराना के मुस्लिम भाई भारी गुस्से में हैं और कहा जा रहा है कि कई विरोधी इस मुद्दे पर लड़ाई के लिए एक जाजम पर आ टिके हैं। शहर में खाकी की दबंगाई भी कुछ कम नहीं है। नेता नगरी की चलती नहीं और खाकी की मनमानी की शिकार आम जनता हो रही है। अभी हाल ही में कांग्रेसी ठाकुर विक्रांत खजराना की खाकी का शिकार हुआ था और कांग्रेस ने DIG कार्यालय से लेकर विजयनगर थाने तक दौड़ लगा दी थी। खाकी ने उस समय मामले की जांच के नाम पर कांग्रेसियों को टरका दिया था, लेकिन ये क्या, अब तो खजराना की खाकी ने एक इमाम के साथ साथ मौलवी को भी नहीं छोड़ा। अब ये खबर जैसे ही खजराना के गलियारों में गूंजी, सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम DIG कार्यालय पहुंच गए। अपने साथ भीड़ देखकर नेता रीगल तिराहे पर ही जाम लगा बैठे। वैसे खाकी ने यहाँ भी अपना ही जोर दिखाया और मुस्लिम लीडरों को ज्ञापन लेकर रवाना कर दिया। अब इस मामले में एक और चर्चा की जा रही है। कहा जा रहा है कि पूरा मामला राजनीतिक रंग ले चुका है। अपनों के साथ हुए अन्याय के बाद BJP के उस्मान और कांग्रेस के इकबाल साथ साथ आ गए हैं। दोनों ही लीडरों की विचारधारा अलग है, दोनों की पटरी कभी नहीं बैठती, लेकिन उन्हें भी पता है इस मुद्दे पर साथ साथ न आए तो भविष्य ताक पर चला जाएगा। अब ये मामला हल्के फुल्के प्रदर्शन के बाद खजराने के गलियारों में गरमाने को है। शायद यही बात खाकी हमसे कुछ ज्यादा समझती होगी, कारण आप सब समझते ही होंगे इस पुलिस पिटाई में अब राजनीति का तड़का जो लग गया है। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज़।